रात के अंधेरे में ट्रेन के टक्कर से हाथी का मौत आम बात हो गया था डुआर्स इलाके में, पर अब दिन की उजाले में भी ट्रेन के टक्कर से हाथी को अपना जान गंवाना पड़ रहा है। इस दिन भी एक हाथी और एक हाथी के बच्चे की जान या ट्रेन के टक्कर से। शुक्रवार सुबह 7 बजे डायना जंगल से निकलकर रेल लाइन पार कर रहा था हाथी। उसी समय बेलगाम ट्रेन सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार जंक्शन जाते समय पहले हाथी के बच्चे को टक्कर मारे, फिर हाथी की माँ को, दोनों की घटना स्थल में ही जान चला गया। क्या हुआ यहाँ पर? सुबह करीबन 7 बजे ये एक्सीडेंट हुआ ट्रेन के साथ। ये कारण ये हाथी जोन है ना, हाथी जोन में कम से कम ट्रेन डिपार्टमेंट है ना, रेलवे डिपार्टमेंट कम से कम इसको स्पीड कम कराना चाहिए, जो हमेशा बोला जा रहा है इस इलाका में। अरे धरा भाई, इस इलाका में देख रहे हैं पूरा हाथी जोन है और हाथी जोन में बार बार ये एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट बार बार कहने के बावजूद कम से कम ये हाथी जोन में कम के स्पीड कम कराना चाहिए, जिसके कारण से स्पीड कम नहीं होने के कारण से बार बार ये दुर्घटना घटा जा रहा है। आज कितना हाथी मर गया? अनगिनत अभी हाथी मर रहा है बार बार। आज कितना मरा? आज 2 मरा है। अरे इससे पहले भी मोरागढ़ के सामने 7 मरा था, उससे बाद में और बहुत सारा हर जगह मर रहा है। ये कम से कम हाथी जोन है, कम से कम रेलवे डिपार्टमेंट को कम से कम स्पीड इस एरिया में डुअर्स इलाका में कम से कम स्पीड कम करना चाहिए, तभी हम ये जानवर को बचा सकते हैं।